मिस्टर मल्होत्रा का मैसेज आया है आपके लिए। उनकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तो वो यहाँ पहुँच कर आपके घर पर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको आपके कारोबार की बहुत बड़ी ऊंचाई पर बिठा सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप देश की एकता के लिए बनाए जाने वाले हथियारों के नक्शों को ज्यादा बाहर के मुल्कों से करते हैं। आपने आज टीवी पर मिसाइल लॉन्चिंग के बारे में तो देखा होगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप भी इस प्रोजेक्ट एम की फाइल हासिल करने के चक्कर में हैं। इस प्रोजेक्ट एम की वो फाइल अगर आपके हाथ लग जाए तो दुनिया को आप अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, और इस वक्त वो फाइल मेरे पास है और मैं इसकी कीमत चाहता हूं, $10 करोड़। ये रकम मैं दुनिया के किसी भी देश से मांग सकता हूं। मुझे मालूम है कि आप एक सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं, लिहाजा कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको मुझसे ज्यादा नुकसान हो। अगर मेरी शर्तों में आपको डील मंजूर है तो कल 11:30 बजे पुराने टनल पर मेरा इंतजार कीजिएगा, कुंदन। अगर ये कंप्यूटर गाइडिंग सिस्टम की फाइल हमारे हाथ आ जाए तो हम दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग हो जाएंगे। हमें उसकी हर शर्त मंजूर है। क्या समझा था? कानून के हाथों से इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे? हिलना मत, डोंट मूव। इस रिवॉल्वर को अंदर रख दो, क्योंकि तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। मुझे मेरे फर्ज ने रोक रखा है। मैं भी उसी फर्ज तले ही दबा हुआ था, लेकिन अब नहीं। तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्ही ने इस देश की रक्षा के लिए मिसाइलों का इजाद किया है ना, अब उसी टेक्नोलॉजी को दुश्मन के हाथों बेचकर मेरे देश के करोड़ों भाई बहनों को बारूद के ढेर पर बिठा देना चाहते हो? हाँ, देखो मेरे सामने बकवास की बातें मत करो, समझे? डोंट। एक अच्छा काम करने से मालिक 100 गुना माफ कर देता है। मैं तुम्हारी सजा माफ करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। Don't move. पंक्चर है। शिट। 11 तो यहीं बच गए। साहब पंक्चर लगाऊं? जल्दी कर, जल्दी कर। ओके साहब।
मामला कुछ गड़बड़ है। तुम ठीक कह रहे हो। इतनी बड़ी रकम के साथ हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा।